देश दुनिया की तमाम खबरें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेट्रो सिटी समाचार चैनल को। देश में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। इस महामारी की पहली लहर में सबसे ज्यादा चपेट में महाराष्ट्र आया था, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में शुक्रवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 52,000 के पार हो गई। 29 जनवरी 2021 को मृतकों की संख्या 51,000 थी, जो 26 को 48 मौतों के साथ बढ़कर 52,041 हो गई है। राज्य में बीते 24 घंटों में 8,333 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले देश में शुक्रवार को सामने आए कुल मामलों का लगभग 50% है। इस बीच प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद ताजा खबर वर्धा से है। यहाँ भी शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान मेडिकल स्टोर्स और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप भी बंद रखे जाएंगे। इस जिले में 10 दिनों में कोरोना के 1,126 मरीज सामने आए हैं। वर्धा में बिगड़ते हालात के बीच जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज भी बंद करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस बार विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। वर्धा जिला कलेक्टर प्रेरणा देशभर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे।